श्री गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ काली तंत्र में वशीकरण साधना, ये वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है कि जिसको आप 5 दिन में सिद्ध करके और उसके बाद आजीवन इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वशीकरण बोलने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक विषय और रखता हूँ। बहुत बार पहले भी ऐसा हुआ है कि मैंने वशीकरण साधना दिया है और लोगों ने कहा है कि गुरुजी वशीकरण साधना ना दिया करो, लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक विषय बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों के ज्ञान में होना चाहिए। जब हम विद्याओं की बात करते हैं तो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विच्छेदन, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो अगर वशीकरण का काम सबको वश में कर लेना था तो मोहिनी का प्रयोग क्यों होता? जैसे मैंने एक साधना पहले भी दी थी, जाग मोहिनी, जोग मोहिनी, देख नगर के रूप मोहिनी, आवे आधी रात, दुहाई मोहिनी परिया के, क्लिंग क्लिंग हूं फट। ये मोहिनी परी की साधना थी जो कि मोहन विद्या में प्रयोग होता है। तो अगर मोहनी और वशीकरण दोनों का प्रयोग एक ही है तो फिर दो अलग साधनाएं क्यों बनी? फिर तो एक ही साधना रहती, तो पंचकर्म होते। तो त्रुटि आई भाषा के कारण। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, सम्मोहन कर लेना। देखो, वशीकरण या वश जो शब्द है ना, वो अब आया है कि मैं इसको वश में कर लूंगा, उसको वश में कर लूंगा। वशीकरण जो तंत्र है ना, वशीकरण तंत्र का मतलब होता है कि मैंने अगर किसी के ऊपर वशीकरण चलाया अपने तरफ से, तो उसके बाद इतनी गारंटी हो जाती है कि वो मुझसे मधुर भाव से रहेगा, वो मुझसे कटु वचन नहीं बोलेगा, वो मुझसे सौहार्द नहीं बिगाड़ेगा। वशीकरण का कतई मतलब ये नहीं होता है कि आपके कहे अनुसार, जो सोचते हैं कि वशीकरण क्रिया कर दिया तो अब तो हिप्नोटिज्म का खेल चालू हो जाएगा, तो अब जो है वशीकरण करते हैं, इसको कंट्रोल कर लो, ये लड़की कंट्रोल में, ये लड़का कंट्रोल में, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उससे मधुर संबंध, मधुर भाव बन जाएंगे और उसके बाद तो फिर आपकी शक्ति और गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। शुरू करते हैं आज की साधना को। तो ये काली तंत्र का जो ये साधना है, ये पूर्ण रूप से काली के बीच में ही चलता है, लेकिन उसी में अलग अलग शब्दों का संयोग है। इस साधना को करना है आप लोगों को 5 दिन। सबसे पहले, अच्छा, साधना हमेशा शुरू करना चाहिए स्नान ध्यान करके, ठीक है, जब काली भगवती की हो, और इसको रात में 10:30 के बाद ही करना चाहिए इस साधना को। तो स्नान ध्यान कर लिया, उसके बाद पीले रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा, आसन भी पीला रखिएगा। का जो दिशा रहेगा वो चाहे तो उत्तर हो सकता है या पूर्व हो सकता है, दक्षिण मुख की साधना को नहीं करना है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे साधना शुरू करते हैं, गुरु पूजा कीजिएगा, अध्याय सिर से शुक्लाम भजम द्वे नेत्रम द्वे भुजम, गुरु श्वेतांबर परिदानम श्वेतमाल्य नुलेपनम वाराभ्यम करहस्तम करुणामय विग्रहम वामे न उत्पन्नम ध्याय शक्ति आलिंगत विग्रहम सुप्रसन्न साधक अभिष्ट फलदायक तस्मय श्री गुरुवे नमः, तस्मय श्री गुरुवे नमः, तस्मय श्री गुरुवे नमः। इसके बाद गणेश की पूजा कीजिएगा, ओम गणानंतः गणपति गुम हवामहे, प्रिय नाम प्रियपति गुम हवामहे, निधि नाम निधिपति गुम हवामहे, वसुमम अहम जानामि गर्वदम्मा तुम जानासि गर्वदम्, ओम वक्रतुंडाय ओम पट का 7 बार जाप। इसके बाद अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र का जाप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अपने सामने कामदेव, सती और माँ भगवती देवी काली की तस्वीर रखिएगा, या फिर काली की तस्वीर के बदले माँ भगवती का यंत्र भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद जैसा पूजा करते हैं वैसा पूजा कीजिएगा, उसमें प्रसाद चढ़ाइएगा, तेल का दीपक दीजिएगा और अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। मंत्र को करने से पहले, क्योंकि सात्विक मंत्र है तो आपको कर्णयास करना पड़ेगा। तो कर्णयास कैसे करेंगे? कर्णयास का विधि मैंने बताया था कि पहले
अपने इंडेक्स फिंगर से अंगूठे को नीचे से ऊपर तक टच करेंगे, और हर और उसके बाद जितना भी आपका फिंगर्स है उसमें थंब से उंगली के नीचे से टिप तक जाएंगे। तो कर्णयास कैसे करेंगे? पहला क्लाम अंगुष्टाभ्याम नमः, क्लिम तर्जनीभ्याम नमः, क्लुम सर्वनंदमयी मध्याभ्याम नमः, क्लैम अनामिकाभ्याम नमः, क्लौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, कलह कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये अंतिम लाइन पढ़ के दोनों हाथों को मल लेंगे एक दूसरे में ऊपर नीचे। इसके बाद हृदयानास करेंगे, उसको कैसे करेंगे? क्लाम हृदयाय नमः, तो हृदय पर हाथ लगाएंगे राइट हैंड से। क्लिम सिर से स्वाहा, सिर पर हाथ लगाएंगे। क्लुम शिखाया वसटा, तो शिखा को छुएंगे। क्लैम कवचाय हूम, क्रॉस करके दोनों हाथ से कंधे को छुएंगे। क्लॉम नेत्राय वसौट, तो मिडिल फिंगर से थर्ड आई पे और उसके दो रिंग फिंगर से जो है आप अपने लेफ्ट आई को इंडेक्स फिंगर से राइट आई को टच करेंगे, और क्लॉम नेत्राय वसट, और क्लिम अस्त्राय फट, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड के सर के ऊपर से तीन बार घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड में तीन बार ताली बजाएंगे ऐसे। इतना करने के बाद जो मंत्र है उसका 11 माला जाप करेंगे। मंत्र क्या है? ओम क्लिम मद मद मादय मादय अमुक वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम क्लिम मद मद माद्य माद्य अमुकम वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। एक अंतिम बार सुनिए, ओम क्लिम मद मद माद्य माद्य अमुकम वश्य वश्य ह्रीम स्वाहा। 11 माला 5 दिन तक पूरे विधान के साथ आप करेंगे तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। एक बार जब इसका ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो आप इसका कई बार प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे इसका प्रयोग करना है? प्रयोग करने के लिए अपने सामने एक फूल रखें, एक पात्र में जल रखें और प्रसाद रखें। उसके बाद उस फूल को देखते हुए आपको अमुक हटा के उस व्यक्ति का नाम लेना है और एक माला जाप करना है। जब जैसे ही आप एक माला जाप करेंगे आपका ये जो है मंत्र काम करने लगेगा और जो भी व्यक्ति है जिस पे आपको वशीकरण करना है वो आपके वश में आ जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी काली आप लोगों पर कृपा बरसाए रखे। इसके बाद माँ काली तंत्र में ही एक और साधना मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आप आम जनमानस को अपने वश में कर सकते हैं अपनी शक्तियों और मंत्र तंत्र के द्वारा। देखो तंत्र का प्रयोग ही किया जाता है, जो चीज़ किसी और चीज़ से क्योर ना हो वो तंत्र से क्योर होती है, और जो आपकी पीड़ा है उसके लिए तंत्र का प्रयोग करना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी काली आप सभी पर बहुत बहुत आशीर्वाद बरसाए, आप लोगों को माया से परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी कामना है। नवरात्र तक चलने वाली 51 दिन की जो साधना है भगवती की वो 18 तारीख से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन कल रात में मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं। अगस्त का जो साधना शिविर है गुरु मंत्र जिसमें मिलेगा वो शिवपुरी में होगा 31 तारीख को, उसके लिए भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ओपन है। वीर कंगन का साधना भी अभी चल रहा है, उसमें जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बेसिक साधना ग्रुप से, मेरा नंबर है 9431188585, उस पर मुझसे संपर्क करके जो बेसिक साधना है वो सीख सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर आप लोग लॉग इन करें, डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे, rudranath@cm4, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।